अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का और दिया गया है कि यहाँ पर किसी किसी बहुपद पी एक्स के लिए वाई इक्वल पी एक्स का ग्राफ आकृति में दिया गया है और पी एक्स के लिए शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर किसी भी आकृति से शून्यों को की जांच करना है। यानी यहाँ पर किसी भी बहुपद पी एक्स के लिए किसी भी बहुपद के पी एक्स के लिए पी y इक्वल पी एक्स का ग्राफ आकृति में दिया गया है, या आकृति में दिया गया है, और यहाँ पर पी एक्स के लिए शून्य की संख्या ज्ञात करना है। यानी यहाँ पर ये प्लस का x है और ये माइनस की, यानी इधर माइनस वाली संख्या आती है, इधर प्लस वाली संख्या आती है, और इधर प्लस वाली संख्या आती है, यहाँ पर माइनस वाली। यानी ये सेंटर है या जीरो होता है, जीरो से सभी होता है, जैसे कि ये जीरो, जीरो से वन टू थ्री, और माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। वैसे अब यहाँ पर शून्य को की संख्या ज्ञात करनी है हमें, तो इंग्लिश में दिया गया है यहाँ पर, द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल पी एक्स आर गिवेन इन फिंगर बेलो फाइंड द नंबर ऑफ जेरोक्स ऑफ पी एक्स। यानी कि यहाँ पर अब हमें देखना है कि पी एक्स यानी एक्स की इस लकीर पर कितनी बार टच हो रहा है ये, वह उसका जेरोक्स, यानी वन टू और थ्री, यानी पी एक्स का हमें निकला है यहाँ पर थ्री। और जैसे देख लेते हैं यहाँ पर ऐसे है अगर, तो यहाँ पर टच नहीं हो रहा, यहाँ पर टच हो रहा, यानी एक्स इक्वल पी एक्स इक्वल वन। और अगर यहाँ पर ऐसा है तो यहाँ पर नॉट इक्वल, यानी यहाँ पर नॉट इक्वल, यानी पी एक्स के शून्य नहीं, यहाँ पर जीरो आएगा। यह आपका आंसर है, ये 100% एक क्वेश्चन बैठता है इसका, कि यहाँ पर कुछ नहीं करना है कि कितनी बार इस एक्स की लकीर पर, लाइन पर, रेखा पर कितनी बार टच हो रहा, कितनी बार काट रहा है, यहाँ पर वन टू थ्री, यानी थ्री इसके नंबर आएंगे या पी एक्स की शून्य। थैंक यू।